आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं अचारी भरवा बैगन। बहुत ही लजीज रेसिपी है, बहुत ही आपको डिफरेंट लगेगी। तो चलिए फटाफट मैं दिखा देती हूँ कि अचारी भरवा बैगन मैंने किस तरह से तैयार किए हैं। तो यहाँ हमने अचारी बैगन के लिए सबसे पहले कुछ छोटे छोटे वाले बैगन ले लिए हैं, बिल्कुल आप देख लीजिएगा फ्रेश। इनको हम बीच में से हल्का हल्का चीर लेंगे और आप देख लीजिएगा इसमें कोई इस तरह से खोल के कोई कीड़ा तो नहीं है, इस तरह से दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो सब हम इसी तरह से कर लेते हैं और चेक कर लेंगे कि किसी में कीड़ा तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको दिख जाएगा। अचारी बैगन के लिए हमने कुछ मसाला तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 1 टीस्पून सौंफ ली है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी है और 1/2 टीस्पून हमने सरसों ली है। काली वाली ले लें, पीली वाली ले लें, जो आपके पास हो ले लीजिए। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून जीरा है। इन सबको हल्का सा भून लेंगे पैन पे, नॉनस्टिक पैन पे या किसी भी तवे पे, रोटी वाले तवे पे आप भून लीजिए। उसको दरदरा सा पीस लीजिए तो आपका अचारी मसाला तैयार हो जाएगा। ये आप बना के हमेशा रखे रह सकते हैं। किसी भी चीज में आपको अचारी फ्लेवर चाहिए, अचारी चिकन है, अचारी बिरयानी है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। कीमा बनाना है, कोई भी वेज सब्जी बनानी है अचारी, तो अचार का मसाला है बेसिकली यही होता है। तो मैंने इसको बहुत सारा पीस के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे बनाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा। तो मेरा ये तैयार है मसाला, ये देखिए दरदरा सा है। आपको बहुत इसको बारीक नहीं करना है, दरदरा बना के आप रख लीजिए। यहाँ इसमें हम थोड़ा सा मसाला निकाल लेते हैं अंदाजे से, 2 से 2.5 चम्मच आप निकाल लीजिए। तो 2.5 चम्मच हमने निकाल लिया है। थोड़ी सी इसमें हम खटाई भी ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मत डालिएगा। इस मसाले में हम थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, अगर बड़ा नींबू हो तो आधा डाल दीजिए, छोटा हो तो आप एक डाल लीजिएगा। हल्का सा इसमें हम ऑयल डाल देंगे, सरसों का तेल डाल रहे हैं। एक इसको मिक्स दे देंगे अच्छा सा, थोड़ा सा पेस्ट जो है ना गाढ़ा बन जाए, लिक्विड ही नहीं करना है, बस हल्का सा इस तरह से हमको मिला देना है। हल्का सा नींबू डाला, हल्का सा तेल, तो हमारा अचारी मसाला तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बैगन तैयार किए हैं, ये जो बैगन है हमें इसको 2 हिस्सों में कर लिया है, दोनों तरफ से मैंने काट दिया है। तो थोड़ा थोड़ा मसाला हम सब में लगा देंगे। इस तरह से आप हाथ से इसको लगा दीजिए, जरूरत पड़े मसाला कम पड़ रहा है तो आप उसमें और ऐड कर दीजिए। इसको हल्के से इस तरह से आप दबा दीजिए, इस तरह से आपने कर देना है। सारे बैगन में लगाकर आपको दिखाते हैं। और ये हमारे बैगन मसाला भर के तैयार हो चुके हैं। क्या करेंगे कि पहले जो बैगन है उसको हम स्टीम करेंगे। तो हमने एक स्टीमर ले लिया है, नीचे हमने पानी रख दिया है और यहाँ हमने ये ले लिया है जिसमें छेद छेद हैं, इसकी स्टीम से हमारे जो बैगन है वो गल जाएंगे तो हमको थोड़ी जल्दी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो इसमें सारे हम बैगन इसमें रख देते हैं। आप चाहें तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल रेसिपी में चला जाता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बनाना था तो इसलिए मैं इसको स्टीम कर देती हूँ। तो 10 मिनट लगेंगे इसको स्टीम होने में और ये अच्छे से हो जाएगा, मसाला इसमें इंटैक्ट रहेगा और गल भी जाएगा। इसको गलाने तक इसको हमको करना है 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ हमने पैन रखा है, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ तेल गर्म हो गया, हमने अंडे जैसी प्याज ले ली है। मुझे इसको स्टार्टिंग में राई डालनी थी तो मैं भूल गई, तो मैं आप डाल देती हूँ। आप पहले डाल लीजिएगा, उसके बाद प्याज डालिएगा। तो हल्का सा ब्राउन करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ प्याज हल्की से ब्राउन हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भून लेते हैं। यहाँ मैंने 3 टमाटर के क्यूब्स ले लिए हैं जिसको मैं बना के रखे रहती हूँ। टमाटो पेस्ट है ये पका हुआ, इसे बहुत आसानी हो जाती है, टाइम हमारा सेव हो जाता है। और 2 मैंने हरी मिर्च इसमें डाली हैं और अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है कि टमाटो पेस्ट कैसे बना के रखना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं वरना ये मसाला प्याज जलने लगेगी। इसको हम पिघलने तक का वेट करते हैं। आपको जब भी बनाना हो इसको बाहर निकाल दें फ्रीज़र से 10 से 15 मिनट पहले टोमेटो पेस्ट को, तो बहुत आसानी हो जाती है, काम आपका आसानी से हो जाता है, टाइम की बचत भी हो जाती है। अगर हम स्मार्टली काम करेंगे तो हमारा बहुत टाइम बच जाता है, उस टाइम को हम कहीं और अपनी फिटनेस के लिए, अपने किसी अपनी हॉबी के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं उस टाइम को। यहाँ हम कुछ मसाले डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, वैसे हमने साबुत धनिया लिया है अचार के मसाले में, थोड़ा सा गर्म मसाला 1/2 टीस्पून, नमक जायके के मुताबिक, और अच्छे से इसको भून लीजिए। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। अच्छे से इसको हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट, जब तक कि तेल रिलीज नहीं हो जाता है, तेल अलग हो जाए तब तक आपको इसको भूनना है और थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाएगा भूनते भूनते। यहाँ कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, मिर्च मसाले अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल आप डालिएगा जितने आपके घर में पसंद करते। ये जो भरवा अचारी बैगन है ये सबको बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी होती है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ ही बहुत अच्छे लगेंगे। जरूर मेरे तरीके से इसको ट्राई करिएगा। अगर आप हेल्दी वर्जन चाहते हैं बिना तले हुए, अच्छा टेस्ट भी आए और हेल्थ भी आपकी बनी रहे, उसके मुताबिक ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो उसको हम 2-3 मिनट छोड़ देते हैं तेल, जब तक कि रिलीज नहीं हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो बैगन है अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और मैं इनको डायरेक्ट डाल देती हूँ। अब मसाला भी हमारा पक गया है, तेल रिलीज हो गया है, मैंने कम ऑयल यूज़ किया है, आप अपने मुताबिक यूज़ करिएगा। और एक बार अच्छे से बैगन के साथ मसाले को मिला देते हैं। जो बैगन में थोड़ी बहुत कमी रह गई है
वो बैगन जो है मसाले के साथ पक जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कट मारे हैं, मसाला अंदर तक चला जाएगा। जो टमाटर का पेस्ट और ग्रेवी हमने तैयार करी है, अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है ताकि जो ग्रेवी है और मसाला जो है अच्छे से पक जाए बैगन के साथ, क्योंकि अभी 5-7 मिनट बैगन पकेंगे तो उसमें मसाला कम ना पड़ जाए, नीचे से जलने ना लगे, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। 7-8 मिनट के लिए ढक के इसको हम पका लेते हैं। हम देख लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा जो ग्रेवी है वो भी पक गया है, गाढ़ा हो गया है, और आप देख सकते हैं कि इनको छूने की भी जरूरत नहीं, इनके देखने से ही आपको लग जाएगा कि ये कितने गल चुके हैं। तो इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल लेते हैं। आप एक बार इस वक्त नमक जरूर चख लीजिएगा, जरूरत हो तो ऐड कर दीजिएगा। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देते हैं, वैसे बिल्कुल ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिएगा, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है तो इसमें मैं हर रेसिपी में डालती हूँ। हरा धनिया डाल देते हैं और बिल्कुल लाइट हाथों से इसको हम मिक्स कर देते हैं एक बार दोबारा, क्योंकि हमने कसूरी मेथी डाली है, हरा धनिया डाला है। अगर आप टमाटर का पेस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप टमाटर को छोटा छोटा काट के टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो बढ़िया से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, इसको मैं आपको उसको सर्व करके फिर दिखाती हूँ। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। आप जो कमेंट देते हैं उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। तो बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस रेसिपी को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैला दस्तरखान।